अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अभी दो दिन पहले ही डोंगरी के दो टिकटॉक स्टार को पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाने पर उनको गिरफ्तार किया था। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ और आज गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके के दो टिकटॉकियों सलीम शेख और फहद शेख को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर सलीम ने एक वीडियो डाली जिसमें वो कह रहा है पुलिस सेलिब्रिटी को नहीं मारती। पहले आप ये वीडियो देखें कैसे सलीम अपने साथी फहद के साथ एक वीडियो बना रहा है। अभी हम लोग जा रहे थे तो हम लोग की एक फ्रेंड मिली, बोलती मत जाओ आगे पुलिस वाला है। तो बोला हम लोग को पुलिस वाले नहीं मारते, सेलिब्रिटी है हम, सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है, है ना? क्या बोलता फहद? हाँ बोलेगे अभी। आपने देखा इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिवाजी नगर पुलिस ने दोनों को खुले आम बिना मास्क पहने सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश दिए जाने के बावजूद खुले आम सड़कों पर वीडियो बनाने पर आईपीसी की धारा 188 269 के साथ कोविड 19 उपाय योजना 2020 की धारा 11 के तहत केस दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद दोनों किस तरह से पुलिस और सरकार से माफी मांगी है वो वीडियो आप देखिए। मेरा नाम सलीम शेख है, मैं मुंबई गोवंडी शिवाजी नगर में रहता हूँ। मैंने इस लॉकडाउन के बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें बोल रहा हूँ सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है, पर ऐसा नहीं है, रूल सबके लिए सेम होता है। और मुझे शिवाजी नगर की पुलिस अरेस्ट की है बिकॉज मैंने विदाउट मास्क वीडियो बनाया था और रूल्स को तोड़ा था। सबसे बड़ी गलती मैंने किया है और मेरे पे कार्रवाई किया जा रहा है, तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा मुंबई पुलिस को और मेरे वजह से दूसरे लोग भड़क रहे हैं ना फहद, और मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ये मैं जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। सॉरी और मास्क पहने और रूल्स का पालन करें लॉकडाउन को और अपने घर पे। पुलिस और प्रशासन के बार बार मना करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन के नियम तोड़ रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं, आप बिना वजह अपने घरों से ना निकले, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।